दो लोग एक दूसरे से मिले और उनमें इमीडिएट कनेक्शन था तो शादी कर लेते हैं। लड़की के पेरेंट्स को ये शादी मंजूर नहीं थी, उनके हनीमून पर उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड को भेज देते हैं। क्या उन दोनों में जो राज थे, क्या इस शादी को बर्बाद कर पाएंगे? या हम आज के हमारे मूवी जस्ट मैरिड 2002 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर टॉम और सारा को एयरपोर्ट पर जगड़ता हुआ देख सकते हैं। एक्चुअल में इनकी अभी अभी शादी हुई थी और हनीमून से वापस आ रहे थे, पर हनीमून पर जो भी चीजें हुई थी इसी वजह से दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा हेट करने लग गए थे। वो एक दूसरे को पुश कर रहे थे और हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद टॉम अपनी गाड़ी में आया। सारा को भी यहाँ से निकलना था पर कैब मिलने में उसे बहुत टाइम लग सकता था, तो टॉम के पास आके उसे लिफ्ट तो नहीं देना चाहता था, पर सारा उसे कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ती, उसी गाड़ी की ओर सामने आ गई थी। फाइनली टॉम उसे बिठा देता है और घर पर छोड़ देता है। घर पहुंचने पर टॉम सारा का सामान बाहर फेंक देता है। सारा भी उसकी गाड़ी को खटारा बुलाती है। जाते जाते उसके गार्डन को टॉम बर्बाद कर कर जाता है। जो भी हुआ था इस वजह से सारा को बहुत ही बुरा लग रहा था। घर आने पर टॉम को वेडिंग गिफ्ट्स और सिंपथी के मैसेज साथ में मिलते हैं। वो एक न्यूज रिपोर्टर है जो सिर्फ रात में न्यूज को रिपोर्ट करता है। उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि तुम दोनों में हुआ क्या। टॉम कहता है कि हमारी रिलेशनशिप परफेक्ट थी पर शादी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अब जो भी हुआ था ये पास्ट में हमें पता चलेगा। बीच के पास टॉम खेल रहा था तभी वो सारा से टकरा जाता है। वो दोनों बात करने लग गए और बार में आ गए। सारा टॉम को उसके जॉब के बारे में पूछती है। टॉम उसे सारे डिटेल्स देता है तो सारा समझ गए। एक्चुअल में एक रात सारा ने टॉम को ट्रैफिक के बारे में पूछा था तो टॉम ने उसे जिस रास्ते से जाने के लिए कहा वहां पर बहुत बड़ी ट्रैफिक थी। इस वजह से रेडियो पर ही उनका झगड़ा हो गया था। एक दूसरे को उन्होंने बहुत सारी गालियां दी थी। अब जब वो एक दूसरे के सामने थे तो रियलाइज करते हैं कि दोनों बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद उनमें बात आगे बढ़ी और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ एक अमेजिंग सी रात बिताने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि उन दोनों में एक अमेजिंग सी केमिस्ट्री है। एक मंथ दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था और इसके बाद एक साथ रहने लग गए। इसके बाद 9 मंथ में उन्होंने शादी कर ली थी। टॉम कहता है कि एक दूसरे से प्यार करने में हम दोनों अमेजिंग थे तो शादी करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं थी। ये शादी का कंसेप्ट ही अब उसे गलत लगने लग गया। जैसे टाइम बीतता जाता है तो वैसे लोग बदल जाते हैं, तो शादी करने का पॉइंट क्या रहता है? उसे लग रहा था कि उसका मैरिज प्रपोजल उसने सही तरीके से किया नहीं था, इसी वजह से उसकी शादी टिक नहीं पाई। जब वो सारा के साथ रह रहा था तो एक दिन उसका डॉग उसके साथ खेलना चाहता था। टॉम बहुत ही बिजी था और डॉग के साथ खेलने में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। डॉग से पीछा छुड़वाने के लिए उसने बॉल लिया और फेंक दिया। उसे पता नहीं था कि बॉल खिड़की के बाहर गया है। डॉग ने उस बॉल को चेस किया और उसकी डेथ हो गई। इस बात से सारा को बहुत बुरा लगा था। टॉम ने झूठ कह दिया कि डॉग पिजन को चेस कर रहा था और इसी वजह से वो नीचे गिर गया। सारा को उस पर थोड़ा सा शक गया था क्योंकि टॉम जब झूठ कहता है तो उसकी नाक फटफड़ाती है। टॉम उसे बहुत कन्विंस करता है कि वो झूठ नहीं कह रहा। सारा उसके बाहों में आ गए और कहती कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। हम एक दूसरे से अब प्रॉमिस करते हैं कि कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं कहेंगे। उसने इस मोमेंट पर रियलाइज किया था कि वो टॉम से बहुत प्यार करती है। उसे कहती है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। टॉम भी इस बात के लिए हाँ कह देता है। अपने मैरिज की न्यूज बताने के लिए सारा टॉम को अपने फैमिली के पास लेकर आई। सब लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। उन दोनों के सामने तो उन्होंने प्रिटेंड किया कि सब कुछ ठीक है, पर किसी को भी शादी अच्छी नहीं लगी थी। या उनके घर पर सारा का एक्स बॉयफ्रेंड पीटर भी था। सारा के फादर उससे कहते हैं कि तुमने अपना चांस मिस कर दिया। आजकल सारा के फादर और पीटर ये दोनों साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे थे, इसी वजह से फादर चाहते थे कि पीटर के साथ ही सारा की शादी हो जाए। पीटर को भी इस न्यूज से बुरा लगा था। रात में सारा को समझाने के लिए उसकी मदर उसके पास आई। वो उसे कहती है कि शादी के लिए सिर्फ प्यार होना इनफ नहीं होता, शादी करने के लिए तुम्हारी एज जरा ज्यादा होनी चाहिए, फिर तुम समझ सकते हो कि तुम किस तरीके के पर्सन हो, तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए। सारा अपनी मदर को समझाती है कि एक पार्टनर में मुझे जो भी चाहिए ये सब कुछ टॉम में है, उसके साथ बहुत खुश रहेगी। रात में पीटर और सारा अलग अलग सोए थे तो पीटर मौके का फायदा उठाकर सारा के पास आ जाता है। सारा के रूम पर नॉक आई। उसके फादर उसे मिलने के लिए आए हुए थे। पीटर रूम में ही छुप जाता है। फादर सारा से कहते हैं कि मैरिज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, तो इसे बिजनेस की तरह कैलकुलेट कर ही तुम्हें डिसीजन लेना चाहिए। सारा कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वही चीज मैटर करती है, बाकी उसे कोई भी लेना देना नहीं है। फादर ने रूम में पीटर को देख लिया और उसे हाई कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली टॉम और सारा की मैरिज देखते हैं। काइल ने उसे कहा कि तुम अब किसी भी लड़की को डेट नहीं कर पाओगे, क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को तुम जाने दे सकते हो। टॉम कहता है कि अब मेरी शादी हो रही है,
सारा को छोड़कर वो किसी और को अब नहीं चाहता। टॉम नीचे देखता है तो सारा का एक्स बॉयफ्रेंड पीटर भी वेडिंग के लिए आया हुआ था। काइल ने टॉम से पूछा कि क्या सारा और पीटर के बीच में कुछ हुआ था। टॉम ने एक बार इसके बारे में सारा से पूछने की कोशिश की थी पर बिजली कड़क गई और इसी वजह से बात उनकी खत्म नहीं हो पाई थी। सारा की सिस्टर उसे कहती है तुम्हें पीटर के साथ अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहिए था। सारा कहती कि एक बार जब हम ट्रिप के लिए गए थे तो एक रात साथ बिताई थी पर उनमें कोई भी केमिस्ट्री नहीं थी। पीटर और सारा दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत श्योर थे और इसके बाद वो शादी कर लेते हैं। वो दोनों आज शादी की वजह से बहुत ही थक गए थे तो सारा कहती है कि आज रात हमें इंटीमेट नहीं होना चाहिए। टॉम भी इस बात से एग्री करता है और सारा को इससे बुरा लगने लग गया। वो कहती है कि ये हमारी शादी की पहली रात है पर फिर भी हम एक दूसरे के साथ आज नहीं सोने वाले, क्या हम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएंगे। टॉम उसे समझाता है कि हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, हमें कोई भी हरी नहीं है। सारा को टॉम की बात बहुत ही अच्छी लगी और इसके बाद वो इंटीमेट होने लग गए। इस रूम में लाते लाते टॉम ने सारा को जरा इंजोर कर दिया था, इसी वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो उसका ख्याल रखता है और दोनों वैसे ही सो गए। अगली सुबह दोनों बहुत ही लेट हुए और हनीमून के लिए उनकी फ्लाइट थी। जल्दी जल्दी में एक दूसरे से वो टकरा जाते हैं और टॉम की भी नाक बहने लग गई। हनीमून के शुरुआत में उनके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। वो डिसाइड करते हैं कि जैसे ही वो होटल में पहुंचेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। सारा कहती है कि तब तक हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बाथरूम में जाकर हम दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। उन्होंने बाथरूम चेक किया तो वहां पर एक लड़का बैठा था। दूसरा बाथरूम चेक किया तो वहां पर बहुत स्मेल आ रही थी पर फिर भी वो पीछे नहीं हटने वाले थे। वो अंदर चले गए पर उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाते। एयर होस्टेस ने उन्हें देख लिया और बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी पर ये अंदर ही फंस जाते हैं। जैसे ही बाहर निकले तो एयर होस्टेस भी इंजोर हो गए। फाइनली वो फ्रांस में पहुंच गए। टॉम ने एक बड़ी सी गाड़ी हायर की थी पर गलती से एक बहुत ही छोटी सी गाड़ी उन्हें दे दी जाती है। ये बात उसे थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती, वो पूरे टाइम कंप्लेन ही कर रहा था। सारा उसे कहती कि तुम्हें अपना मूड अच्छा रखना चाहिए। बातों बातों में एक टर्न आ गया पर सारा उसे उसके बारे में बता नहीं पाती है, इसी वजह से वो टर्न मिस कर देते हैं। उनका एक्सीडेंट होने वाला था। वो दोनों झगड़ने लग गए और वो रियलाइज करते हैं कि वो इस तरीके से झगड़ रहे हैं जैसे उनकी शादी को बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक दूसरे से नहीं झगड़ेंगे और उनके एक ब्यूटीफुल से होटल में आ गए। उन्हें लोकेशन बहुत ही अच्छी लगती है। होटल में उनके लिए पीटर ने कॉन्ग्रेचुलेशन का नोट छोड़ा था। ये बात टॉम को अच्छी नहीं लगती। सारा कहती कि वो सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। होटल का रूम सारा को बहुत ही पसंद आया पर टॉम कहता है कि यहाँ पर टीवी नहीं है, वो अपनी न्यूज देख नहीं पाएगा। इस रूम में जो इलेक्ट्रिक आउटलेट थे ये काम नहीं कर रहे थे तो टॉम ने जबरदस्ती इसे प्लग करने की कोशिश की और इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पूरे होटल की वायरिंग इससे खराब हो गई थी। होटल का मैनेजर उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा था। मैनेजर कहता है कि ऊपर वार्निंग लिखी हुई थी, अभी सारा एक्सपेंस तुम्हें ही देना पड़ेगा। ये वार्निंग फ्रेंच में थी तो टॉम कहता है कि तुम्हें इसे इंग्लिश में लिखना चाहिए था। इस बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। टॉम गुस्से में कहता है तुम्हारी घटिया से होटल में मैं रहना नहीं चाहता। वो तुरंत वहां से चेकआउट कर लेते हैं। बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश थी और वो दोनों एक छोटे से टाउन में थे तो दूर दूर तक उन्हें कोई भी होटल नहीं मिलने वाला। अलग अलग जगह उन्होंने ट्राई की पर कोई भी जगह उनके लिए सही नहीं थी। आगे चलकर स्नो की वजह से एक्सीडेंटली वो रास्ते के नीचे आ गए। स्नो में वो फंस जाते हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। टॉम वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था और गुस्से में स्टीयरिंग व्हील भी उसके हाथ में आ गई। सारा एक वाइन की बॉटल निकाल लेती है, कहती है कि हम ड्रंक हो जाते हैं और यही पर मेकआउट करेंगे। सुबह होने के बाद वो बाहर निकले। उन्होंने रियलाइज किया कि वो एक माउंटेन पर थे, अगर वो थोड़ा भी आगे जाते तो वहां से नीचे गिरकर उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ का नजारा बहुत ही ब्यूटीफुल था, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। एक गाड़ी से वो हेल्प मांगते हैं पर वो गाड़ी आगे जा रही थी तो टॉम ने उसे पत्थर मारकर फेंका। वो गाड़ी पीछे आई और उनकी गाड़ी को उसने टकरा दिया। उनकी गाड़ी डायरेक्टली नीचे गिर गई। अब टो ट्रक में उन्हें आगे का सफर बिताना पड़ता है। प्रीवियस होटल में टॉम को बहुत सारे पैसे स्पेंड करने पड़े थे और इसी वजह से वो ज्यादा कुछ अब अफोर्ड नहीं कर पाएगा। टॉम के फादर ने उसे एक जगह सजेस्ट की थी, वहीं पर वो जाने वाले थे। वो जब उस जगह पर पहुंचे तो बहुत ही पुरानी जगह थी, वहां के आदमी भी सारा को घूर रहे थे। वो ऊपर अपने कमरे में गए तो ये बहुत ही ओल्ड सा कमरा था। सारा कहती कि हम हमारी पूरी लाइफ इस हनीमून को भूल नहीं पाएंगे। वो अपने बैग्स नीचे रखते तो आसपास की चीजें नीचे गिरने लग गए। इस पर वो दोनों बहुत हंसते हैं। इसके बाद वो करीब आ गए और जब इंटीमेट हो रहे थे तो एक वॉल से टकराए तो पूरी वॉल ही नीचे गिर गई। वो डायरेक्टली उनके नेबर के रूम में चले गए। बीच में सिर्फ उन्हें एक पर्दा लगाना पड़ता है। उन्हें रात में दूसरे लोगों के इंटीमेट होने की आवाज आ रही थी। वो दोनों भी करीब आ गए पर टॉम पर एक कॉकरोच नीचे गिरता है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत यहाँ से वो निकल गए। सारा ने अपने फादर को कॉल कर उनसे पैसे मंगवा लिए और वो एक अच्छे से होटल में आते हैं। फादर ने सारा से बात की और उसके बाद वो टॉम से बात करते हैं।
उन्होंने कहा कि मेरे डॉटर को हर एक चीज में स्टैंडर्ड ही देना चाहता हूँ। अब जिस होटल में तुम रह रहे हो इसके सारे एक्सपेंसेस तुम मुझे वापस करोगे। टॉम को इस बात से गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया। सारा कहती है कि क्या तुम्हारे फादर ने मुझे जज नहीं किया था। टॉम कहता है कि मेरे फादर ने किसी को भी जज नहीं किया। वो दोनों फ्रस्ट्रेटेड थे तो इंटीमेट आज नहीं होना चाहते। वो डिसाइड करते हैं कि कल अलग अलग जगहों घूमेंगे और इसी के बाद कुछ करेंगे। नेक्स्ट डे उन्होंने पूरी सिटी घूमी। सारा को यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री मेजर था तो इसी वजह से सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस वो देख रही थी। टॉम को तो स्पोर्ट्स और ये सब चीजें बहुत ही अच्छी लगती है और इसी वजह से वो बोर हो रहा था। एक पास की बार से उसे स्पोर्ट्स की आवाज आने लग गई और वहीं पर वो चला जाता है। वो सारा से कहता है कि प्लीज मुझे गेम देखने दो, कुछ घंटों में मैं वापस आ जाऊंगा। सारा होटल में वापस आती है तो वहां पर पीटर भी था। सारा पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। पीटर ने कहा कि तुम्हारे फादर के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ और इसी वजह से यहाँ पर मुझे बिजनेस के लिए आना पड़ा। वो उसे उसके साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है पर सारा ने कहा कि यहाँ पर मैं हनीमून के लिए आई हुई हूँ, उसके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। पीटर फिर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में पीटर रूम में वापस आया। वो पीटर से कहती है कि हमने कभी ना कभी एक दूसरे से झूठ कहा होगा, बाद में वो बात ज्यादा आगे ना बढ़ पाए इसी वजह से हमने एक दूसरे को फिर वो बात कही नहीं। कैसा कुछ तुमने मुझसे छुपाया है? पीटर उसे उसके डॉग के बारे में बता देता है। सारा इस बात से बहुत ही अपसेट हो गए और वहां से जाने लग गए। पीटर उसे रोक लेता और कहता है कि तुम भी मुझे कुछ कहना चाहती थी, पहले वो बताओ और उसके बाद जाना। पहले तो उसने कहा था कि पीटर और उसके बीच में कुछ भी हुआ नहीं, पर जो भी हुआ था ये सब कुछ उसने सच सच बता दिया। इस बात से टॉम भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे पूछता है कि जब तुम पीटर के साथ थे तो क्या हम दोनों मिले थे? सारा उसे सच कहती है कि उस टाइम पर वो दोनों डेट कर रहे थे। वो टॉम के बारे में श्योर होना चाहती थी, इसी वजह से पीटर के साथ उसने टाइम स्पेंड किया था। इसे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और वहां से चला जाता है। वो एक बार में आ गया, वहां पर एक लड़की थी जो उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है। सारा अकेली अलग अलग म्यूजियम देख रही थी। पीटर उसके पास आ जाता है और पूछता है कि टॉम का है। सारा कहती कि हम दोनों को हमेशा एक साथ रहने की जरूरत नहीं है। पीटर ने कहा कि तुम्हारा हनीमून है। सारा उसे जाने के लिए कहती है तो पीटर उसका बाहर वेट करता है। सारा वापस आई तो पीटर कहता है कि मैं तुम्हें कार में ड्रॉप कर दूंगा, मेरे एक फ्रेंड के पास काम है, वहां पर हम चलते हैं, वहां पर कुछ बातें करेंगे। सारा इसके लिए मान गए। बार में जो लड़की थी उसके साथ टॉम बात करने लग गया था। सारा और पीटर अपने फ्रेंड के पास आते हैं। टॉम जिस लड़की के साथ था उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। टॉम को ये बात रियलाइज नहीं हुई थी और वो कहता है कि मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। बाथरूम की खिड़की से वो बाहर निकल गया और वहां से भाग जाता है। होटल में आने के बाद उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या सारा अपने रूम में है। रिसेप्शनिस्ट ये बताने के लिए उससे कुछ पैसे लेता है। उसने कहा कि सारा पीटर के साथ है। वो वापस कब आएंगे इसके बारे में उसे पता नहीं था। इस बात से टॉम बहुत डिस्टर्ब हो गया और फिर से वो बार में आ जाता है। फिर से वो लड़कियों से मिलती है और उसे पूछती कि तुम किस होटल में रह रहे हो। टॉम उसे बता देता है तो उस लड़की ने कहा कि मैं भी उस होटल में रहती हूँ, चलो हम वहां पर चलते हैं। टॉम जिस फ्लोर पर था तो उस लड़की ने कहा कि मैं भी उसी फ्लोर पर हूँ। वो प्रिटेंड करती कि उसकी चाबी गुम हो चुकी है और पीटर के साथ वो रूम में आ गए। उसके बाद वो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लग गई थी। पीटर ने कहा कि मैं मेरी वाइफ के साथ यहाँ पर हनीमून पर आया हूँ। इस बात से वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। रात में पीटर सारा को ड्रॉप करने के लिए आया। वो कहता है कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा और सारा को किस कर लेता है। सारा गुस्सा होकर उसे स्लैप कर दिया। ऊपर से टॉम सब कुछ देख रहा था। पीटर ने जब सारा को किस किया उसने उतना ही देखा, बाकी की चीज उसने देखी नहीं थी। सारा वापस आने के बाद टॉम उसे बहुत बड़ा झगड़ा करता है। सारा उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है पर टॉम मानता नहीं। सारा ने रूम में देखा तो उस लड़की की ब्रा पड़ी हुई थी। टॉम भी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसमें और उस लड़की में कुछ भी नहीं हुआ था, बस सारा इस बात को नहीं मान सकती थी। इसी मोमेंट पर रूम में पीटर आ जाता है, कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम जाओ तो मेरे साथ आ सकती हो। टॉम इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और एक डंडा लेकर उसके पीछे ही भागता है। होटल स्टाफ ने पुलिस को कॉल कर दिया और टॉम और सारा को अरेस्ट कर लिया जाता है। थोड़ी देर में पीटर उनकी बेल करा देता है। सारा ने कहा कि शायद सब लोग सही थे, हम दोनों ने शादी करने के लिए जरा हरी कर दी। वो दोनों एयरपोर्ट पर आए और जहां पर उनका लगेज चेक किया जा रहा था तो सारा उन्हें बता देती है कि टॉम ने अपने साथ ड्रग्स लाए हैं। इस वजह से टॉम की बॉडी की हर जगह से तलाशी ली जाती है। वो बेचारा सही से चल भी नहीं पा रहा था। मूवी के बस में हमने देखा था कि एक दूसरे को मार रहे थे, हेट कर रहे थे, ये सारे सीन्स इसी के बाद के थे। फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं कि टॉम अपने नाइट ड्यूटी से वापस आया। सारा टॉम के घर से अपना सारा सामान लेकर चली गई थी, उसके लिए सिर्फ एक एल्बम छोड़कर गई थी जिसमें उन्होंने सारे जो पल एक साथ बिताए थे ये सब लगे हुए थे। टॉम बहुत कंफ्यूज था और अपने फादर के पास आता है। उसने कहा कि शायद शादी के लिए प्यार इनफ नहीं होता। फादर कहते कि तुम दोनों हनीमून पर गए और वहां पर तुम्हें बहुत सारे स्ट्रगल झेलने पड़े, तुम दोनों में फाइट हुई और इसी वजह से अब तुम ब्रेकअप करना चाहते हो।
तुम इस एल्बम में तुम्हारे सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स देख रहे हो, पर इस तरीके से लाइफ नहीं होती। तुम्हारी मदर और मेरे बीच में बहुत झगड़े होते थे और उसी के बाद ये ब्यूटीफुल मोमेंट हम एंजॉय कर पाते थे। हम स्ट्रगल से गुजरते हैं और फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसी वजह से मैरिज टिक पाता है। फादर की बातों से टॉम को क्लैरिटी मिली, वो फिर से सारा के पास वापस आता है। सारा के घर का सर्वेंट उसे अंदर नहीं आने देता, पर सारा ने इसकी आवाज सुन ली थी। वो अपने टीवी पर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। टॉम कहता है कि लाइफ में आगे क्या होगा इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर एक बात मैं कह सकता हूँ, कितने भी साल गुजर जाए मैं सारा से ही प्यार करता रहूंगा। ये सब सुनने के बाद सारा की फैमिली को भी पता चल गया था कि टॉम उससे कितना प्यार करता है। उसे लगा था कि अब भी वो गेट नहीं खोलेंगे, पर उसका गेट खोल देते हैं। सारा और टॉम भागते भागते एक दूसरे के पास आए। वो एक दूसरे से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उन्होंने साथ में एरोप्लेन के बाथरूम को बर्बाद करना मिस किया था। रात भर स्नो में फंसना उन्होंने मिस किया था। जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें साथ में आए इन सबको मिस कर रहा था। आगे कितने भी प्रॉब्लम आए पर उन्हें साथ में रहना है। इसके बाद वो किस करते हैं और सारा टॉम के साथ चली जाती है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।